और ये हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात को जानने के लिए कि बीपीएससी के परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है तो लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक मॉडल के रूप में बीपीएससी में आया हुआ है, किस वर्ष आया है? 2005 में आया है क्वेश्चन। तो बराबर याद रखिए कि यूनिवर्सिटी के लिखने के स्टाइल में बीपीएससी में फेल कर गई है। यूनिवर्सिटी का स्टाइल जो होता है वो फैक्चुअल होता है और लंबा चौड़ा होता है, उसमें गलतियां छिप भी जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एग्जैक्ट आपको लिखना है और ए बी सी तीन पार्ट में सवाल है। ए में है कि गिफेन पैराडॉक्स किसे कहते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना। बी में है कि मांग की रेखा क्यों ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है, स्पष्ट करना। सी में लिखे कि हिक्स और एलेन द्वारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? तीन क्वेश्चन है और समय होगा आपको 35 मिनट। 35 मिनट एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकला रहता है, एक क्वेश्चन 35 मिनट हुआ, 5 क्वेश्चन लिखना रहता है। अभी 6 कर दिया है, अब भी बदल गए। 6 क्वेश्चन लिखिए कितना है, तो 30 मिनट हो गया। 30 मिनट में 10-10 मिनट का आंसर आपका। 30 मिनट है तो तीनों बात कितना मिनट का हुआ, 10 मिनट का। आप सोच लीजिए कि 10 मिनट में आप एक चैप्टर को लिख रहे हैं तो नारंगी का रस ही ना होगा उसमें, कहाँ पता चलेगा कि बीज भी है गुदा भी, आपको सीधे रस रहेगा इतना। तो एकदम मेन जो बात है वही लिखना है, सेकेंडरी डिटेल सब्सिडियरी डिटेल, मेन डिटेल क्या है। तो नंबर वन है आपको गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करें। मार्शल साहब 1890 में जब अपनी पुस्तक प्रकाशित किए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने मांग के नियम को स्थापित किया। और मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें स्थिर रहे तो मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है और मूल्य घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। अब इस पर कई बातें आगे चल करके आलोचना के रूप में विकसित हुआ, जिसमें कि जेवंस महोदय गिफेन महोदय की एक अवधारणा आई। गिफेन महोदय ने कहा कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ये मार्शल ने कहा है। उन्होंने कहा कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग घट जाती है। अगर वस्तु घटिया, मार्शल ने जो कहा वो वस्तु का भी कहा, कोई स्ट्रेस नहीं डाला कि घटिया है कि सुपीरियर है, नॉर्मल वस्तु लिया। लेकिन गिफेन महोदय ने कहा कि मार्शल की ये बात कि मूल्य घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है नियम। उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा साबित किया कि अन्य बातें स्थिर रहे तो लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, वस्तु होना चाहिए इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ये कहते हैं कि ऐसा पाया गया है कि कीमत घटने पर इन्फीरियर वस्तु जो है उसकी मांग घट जाती है, लोग सुपीरियर वस्तु की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनकम से अगर संबंध लगाते हैं, प्राइस का क्या संबंध है, बात समझ लीजिए कि प्राइस का घटना रियल इनकम का बढ़ना है। प्राइस अगर घटता है तो रियल इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
लिया इनका पढ़ लिया इसका मतलब हुआ कि प्राइस को अगर लेते हैं तो प्राइस के अनुसार लोअर द प्राइस हायर द डिमांड होना चाहिए। गिफेन पैराडॉक्स हुआ कि लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास हो गया कि जो कहा गया उस सटीक विपरीत की जाए। गिफेन पैराडॉक्स को आय के सापेक्ष में बताया जाता है कि बताया कि हायर द इनकम लोअर द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, हायर द इनकम लोअर द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अगर आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तु की मांग घट गई। दोनों बातें पैराडॉक्स हो रहा है। आम जीवन में लोग क्या सोचते हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों या आम नागरिक को क्या सोचते हैं, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी वस्तु की, कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। मार्शल का ये सिद्धांत, उन्होंने कहा कि मांग का नियम यूनिवर्सल है, इसी को चैलेंज किया गिफेन ने, कहा कि नहीं, कीमत के घटने पर मांग घट जाएगी, एक आय के बढ़ने पर मांग घट जाएगी, दो, दोनों बात में विरोधाभास है। आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग जनरली बढ़ जाती है, क्या कि बढ़ जाती है, लेकिन घटिया वस्तु में क्या होगा, घट जाएगी। जब ये बात प्रकाशित हुआ गिफेन का, तो अल्फ्रेड मार्शल महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के थर्ड एडिशन का जब प्रकाशन हुआ तो थर्ड एडिशन में मांग के नियम जहां है वहां पर गिफेन का चर्चा किया, कहा कि गिफेन साहब हैं जो कहते हैं कि ऐसा घटना घटेगा, कीमत घटने पर मांग घट जाएगी, आय बढ़ने पर भी मांग घट जाएगी, तो ये रेयरेस्ट केस है, लेकिन ऐसा हो सकता है, और इसलिए इसको गिफेन पैराडॉक्स हम लोग कहेंगे। तो गिफेन का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के थर्ड एडिशन में किसके द्वारा लाया गया, मार्शल के द्वारा, इसलिए पॉपुलर हो गया। मांग का नियम कहता है मार्शल के अनुसार अन्य बातें स्थिर हो तो कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। गिफेन साहब कहते हैं कि मूल्य घटेगी तो मांग भी घट जाएगी, अगर वस्तु घटिया, आय बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी अगर वस्तु घटिया हो, अगर ये घटना है तो उस घटिया वस्तु का नाम मार्शल कहे ये नाम इसका रखिएगी फिर वस्तु, क्योंकि ये अनोखी घटना जो है बताने वाले को कौन अर्थशास्त्री है, गिफेन, तो गिफेन के नाम से उस घटिया वस्तु को भी घोषित कर दिया गया। घटिया वस्तु को किसे भी घोषित किया गया, गिफेन के नाम से, तो नाम हो गया गिफेन, और इस विरोधाभास का नाम पड़ गया गिफेन पैराडॉक्स। अब हम आपको चित्र द्वारा इसे दर्शा रहे हैं, दोनों में, आय में भी दर्शाएंगे और कीमत में भी दर्शाएंगे। अभी हम पहले आपको आय में दिखाते हैं, बोर्ड पर आ रहा है, अब गौर से देखिए, ये दो लकीर है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए पैरेलल, गौर से देखिएगा, यहां पेन रखेंगे और यहां डालेंगे यानी यहां मुड़ेंगे, तो एक इंडिफरेंस कर्व यहां आ जाएगा और एक इंडिफरेंस कर्व यहां आ जाएगा। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया फर्स्ट और ये इंडिफरेंस कर्व हो गया सेकेंड। कंज्यूमर पहले था Q1 पर, अब चला गया Q2 पर, इस कर्व को कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व, क्या कहेंगे, इनकम कंजम्पशन, इनकम ए था बढ़ के हो गया A1, इनकम बी था बढ़ के हो गया B1। इस रेखा को आप सभी जानते हैं, इस रेखा को कहा जाता है PX / PY,
पी एक्स बाई पी वाई एक्स और वस्तु का सापेक्षिक मूल्य है। ये एक्स वस्तु जो है, एक्स वस्तु यही है गिफेन वस्तु। एक्स वस्तु क्या है? गिफेन वस्तु है। एक्स वस्तु क्या है? गिफेन वस्तु। एक्स वस्तु क्या है? गिफेन वस्तु। और कहा कि ये वाई वस्तु जो है, वाई वस्तु सुपीरियर है, ये उत्तम वस्तु है, उत्तम कोटि की वस्तु। वाई वस्तु उत्तम कोटि की वस्तु है, एक्स वस्तु डिफरेंट वस्तु है। डिफरेंट वस्तु मतलब घटिया, घटिया वस्तु। अब गौर से देखिए कि घटिया वस्तु हमारे बिहार में है मड़ुआ, मकई, राजस्थान में है बाजरा, ज्वार, है ना? ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब हमारे यहाँ इंफीरियर में, और राइस, वीट, ये सब जो है सुपीरियर में। तो कहा कि गौर से देखिए कि यहाँ इसका इनकम मान लीजिए, इसकी आमदनी थी 5,000, तो खरीदता था 20 केजी, और इनकम बढ़ गया तब खरीदने लगेगा वो 10 केजी। 20 और 10 समझने के लिए बता रहे हैं, ये पहले खरीदता था मान लीजिए M, तो अब खरीदता है H। पहले खरीदता था ओ एम, तो इनकम बढ़ने का कितना खरीद रहा है, ओ एच खरीद रहा है। 10-20 भी लिख दीजिए ताकि समझ में आ गए। पहले 20 खरीदता था, अब 10 खरीदता है। 10 मिनट के अंतर्गत ही इसको लिखना है आपको, एक भी फालतू लाइन फालतू का अपनी दोबारा लिमिटेशन नहीं। तो एक्स वस्तु घटिया है तो ये होगा, और वाई वस्तु सुपीरियर है। गौर से देखिए, जो ICC कर्व है वो कनकेव है वाई एक्सिस का, क्या है? कनकेव है वाई एक्सिस का। तो जिसकी ओर कनकेव होगा ना, उसका अपोजिट वाला होगा घटिया वस्तु। किसकी ओर कनकेव है? वाई वस्तु की ओर। तो डिफरेंट घटिया वस्तु हो जाएगा एक्स। ये लिख दिए बात, ICC कर्व ओ वाई एक्सिस की ओर कनकेव है, तो निश्चित तौर पर एक्स वस्तु घटिया वस्तु है, जिसे गिफेन वस्तु कहेंगे। इसका कारण है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, ओ ए से बढ़ के हो गया ओ ए वन, लेकिन ये इसका उपभोक्ता संतुलन जो है E1 पर है, और 20 इकाई घटिया वस्तु का ले रहा है। जैसे ही आय बढ़ गई, 5,000 से बढ़ के हो गई 10,000, जैसे ही आय बढ़ गई ओ ए वन हो गया, उपभोक्ता का संतुलन Q1 से खिसक के कहां चला जाएगा? Q2 पर। Q1 से खिसक कर Q2 पर चला गया, और अब वो एक्स वस्तु घटिया वस्तु की मात्रा को कम खरीद रहा है। क्लियर है? अब अगर आप कहते कि एक्स को हम घटिया नहीं रखेंगे, वाई को रखेंगे, तो हिक्स कहते हैं कि वाई को भी रख सकते हैं। इस चीज को हिक्स ने अपने भाइयों कैप्टन में प्रदर्शित किया है, कहे कि ये अगर वाई पर रखिएगा तो देखिए क्या हो, बोर्ड पर दिखेगा। वाई पर अगर आप बनाते हैं, गौर से देखिएगा, और गौर से देखिएगा, वाई पर बनाइएगा तो कर्व इस तरह से बनेगा, ICC कर्व इस तरह से होगा, और वो कनकेव किसकी ओर हो जाएगा? एक्स एक्सिस की ओर। अब उपभोक्ता जो है
Q1 पर है और 10 केजी खरीद रहा है और चला जाएगा Q2 पर और खरीदेगा कितना 20 केजी खरीद रहा है और अब खरीद रहा है 10 केजी क्यों क्योंकि मड़ुआ जो है बाजरा मकई ज्वार कुछ भी रखिए वाई एक्सिस पर वाई वस्तु जो है कटिया वस्तु है वाई वस्तु क्या है गिफेन वस्तु है वाई वस्तु क्या है गिफेन वस्तु और ये हो गया ए बी ये हो गया ए वन बी वन ए वन बी वन ये आपका इंडिफरेंस कर्व वन हो गया ये इंडिफरेंस कर्व टू हो गया कंज्यूमर जो है गौर से देखिए कंज्यूमर पहले कहाँ था दूसरे चित्र पर कंज्यूमर था आईसी वन पर और वाई वस्तु 20 इकाई खरीद रहा था मड़ुआ या जो भी हो जैसे ही आय बढ़ गई तो उसका उपभोक्ता संतुलन जो है Q1 से चला गया Q2 पर और इस हिसाब से आपको ICC खींचना है वो कनकेव टू वाई एक्सिस हो गए एक्स एक्सिस हो गए लिख लीजिए दूसरे चित्र में ICC कर्व इनकम कंजम्पशन कर्व वो एक्स एक्सिस की ओर कन्वेक्स टू द कनकेव कनकेव है कनकेव टू ओ आई एक्सिस कनकेव टू ओ आई एक्सिस सॉरी कनकेव टू ओ एक्स एक्सिस की ओर कनकेव होगा तो अपोजिट में वाई हो जाएगा घटिया वस्तु वाई क्या हो जाएगा घटिया वस्तु क्लियर है अब दूसरी ओर जो है आप घटिया वस्तु का उदाहरण प्राइस से संदर्भ में भी आप दे सकते हैं प्राइस के संदर्भ में कैसे देंगे देखिए यहाँ पर पटवारा है ना देखिए ये प्राइस लाइन है PX बाई PY ये प्राइस लाइन है प्राइस लाइन भी हो गया PX 0 बाई PY PX एक्स वस्तु जो है एक्स वस्तु घटिया वस्तु है एक्स वस्तु घटिया वस्तु है जिसको कहेंगे डिफेंड वस्तु घटिया वस्तु गौर से देखिए इसका बोर्ड पर नजर रख रहे हैं है? यहां पर खरीद रहा है 20 केजी यहाँ पर अब खरीद रहा है आपको 10 के लिए यहाँ इंडिफरेंस कर्व है और यहाँ इंडिफरेंस कर्व ये हो गया IC2 और ये हो गया IC1 इस रेखा का नाम हो गया PX बाई PY Q1 है Q1 से चला गया Q1 से चला गया Q2 पर इसको कहा जाएगा PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व ये हो गया वाई वस्तु
ये हो गया x वस्तु, प्राइस लाइन हो गया PCC, PCC का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्राइस कंजम्पशन कर्व। ICC का फुल फॉर्म क्या हो गया? इनकम कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। और इसको कहा जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व के द्वारा जे आर हिक्स और दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्लस आर जी डी एल एन, इंडिफरेंस कर्व की धारणा को स्थापित किया, धारणा को स्थापित किया। आर जी डी हटाई सीधे एलेंगे। तो इसलिए आपको बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछे हुआ है कि हिक्स और एलेन ने क्या किया, तो हिक्स एलेन ने क्या किया वो हम लोग देखेंगे। पहले क्या यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो सब उन्हीं लोगों के द्वारा साबित किया गया है। बात गिफेन की बात हिक्स के समय से पहले उठी थी। किसके समय उठी थी? मार्शल के समय, मार्शल के समय वो चैलेंज किया था। तो मार्शल ने कहा कि ऐसा रेयर केस होता है, ये जो उदाहरण लिए हैं वो उदाहरण में स्थापित हुआ है, लेकिन जे आर हिक्स इस बात को सीरियसली लिया। जे आर हिक्स ने गिफेन पैराडॉक्स को बजाते निगेटिव इनकम इफेक्ट से दर्शाया है और प्राइस कंजम्पशन कर्व में बैकवर्ड स्लोपिंग सब बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीस, बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, पीसीसी मैंने कहा प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि गिफेन गुड्स जो होता है अगर मांग की रेखा लेंगे तो इस तरह की मांग की रेखा होती है। मड़ुआ की मांग 10 पर मान लीजिए कीमत जो है आपको 20 है तो खरीद रहा है, और कीमत घट के 10 हो गया तो खरीद रहा है पहले से कम। पहले 20 खरीद रहा था तो अब खरीद रहा है 10। इसको कहा जाएगा पार्श्वगामी, पार्श्वगामी मांग की रेखा, मांग की रेखा। अंग्रेजी में कहा जाएगा बैकवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है डीडी का, कीमत जो है कीमत ले लीजिए वाई एक्सिस पर और मांग ले लीजिए आप एक्स एक्सिस पर, और वस्तु ले लीजिए मड़ुआ, वस्तु ले लीजिए ज्वार, वस्तु ले लीजिए बाजरा, वस्तु ले लीजिए मकई। तो कहता है उपभोक्ता ई बिंदु पर है, कीमत घटने पर आ जाएगा एफ बिंदु पर, और एफ बिंदु पर पहले से कम खरीदेगा, पहले से वो कम खरीदेगा।
इसे पार्श्वगामी मान की रेखा कही जाएगी, पार्श्वगामी बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर, बेंड रिवर्सल, बेंड मुड़ना, बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर, बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, पार्श्वगामी डिमांड कर, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, देख रहे हैं लास्ट चित्र हम लोग कही है, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, इसी को गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं कि सामान्यतः लोअर द प्राइस हायर द डिमांड होना चाहिए, सामान्यता क्या होना चाहिए, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, उल्टा है ना, तो उल्टा जो बात आप लीजिएगा तो सीधा बात सीधा रास्ता नहीं, उल्टा हो गया कि लोअर द प्राइस तो लोअर द डिमांड, तो कहा कि ये पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोधाभास का मतलब हो गया जो नॉर्मल से हट के असर हो रहा है, क्लियर है। इतनी बातें आपको 10 मिनट के परीक्षा में बीपीएससी में लिखना है, घर पर इतनी ही बात को 3 बार आप अभ्यास करेंगे आपका 10 मिनट हो जाएगा, चित्र को अलग से 5 बार चित्र का अभ्यास करेंगे अलग से, जितना टाप थाई थाई कितना अच्छा नृत्य होने लगता है कम समय में, वही चीज इकोनॉमिक्स में है, हाथ का कलाई का खेल है, तो अभी आप लोग सब खिंचवा के देखेंगे कि अभी कितना मिनट में आपको हो रहा है, ठीक है। अब ये पहला सवाल हो गया बीपीएससी का, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, मांग की रेखा बाएं मांग वक्त बाएं से दाहिनी ओर क्यों झुकती है, कारण बताएं। वो अलग है, वो तीसरा पार्ट है, वो सी होगा, अरे ए बी सी है ना, सर बी में ही है, ए और बी है, बी में ही है, बी में नहीं है, बी में ही है, हाँ तो बी में है तो तीसरा हिस्सा ही होगा, वो मांग की रेखा से उसका संबंध जो है वो हिक्स एलन द्वारा क्या है, व्याख्या करें यानी मांग वक्त बाएं से दाएं जो भारत रहता है ना उसकी व्याख्या करा हिक्स एलन की उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे, तो हम लोग अभी जो किए हैं वो हिक्स एलन के ही द्वारा किए हैं, गिफेन पर। अब कहता है कि मांग की रेखा बाएं से दाएं क्यों रहती है, अभी जो हम लोग खींचे हैं ये पार्श्वगामी मांग की रेखा है ना, बोर्ड पर फोट मिटाइए, बोर्ड पर सब चित्र मिटेगा और फिर नया चित्र बनेगा, मान के रहेगा की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकी रहती है, हिक्स एलन के उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अनुसार दर्शाएं। हिक्स एलन ने इंडिफरेंस करके स्थापना की और इन्होंने कहा कि कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा को जहां स्पर्श करे, कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा को जहां स्पर्श करे और उस पर उस अस्पर्शता बिंदु पर इंडिफरेंस कर कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो तो उसी को उपभोक्ता व्यवहार संतुलन कहते हैं। तो हिक्स एलन कहते हैं कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर, price line must be tangent to indifference curve and at the tangency point indifference curve must be convex to the origin, अर्थात उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को हिक्स तथा एलन ने टेंजेंसी तथा कन्वेक्सिटी दो
नियमों से बांध रखा है, दो शर्तों से बांध रखा है। पहली शर्त कि प्राइस लाइन मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरी शर्त कि जहां कन्वेक्स, जहां टेंजेंट है ठीक उसी बिंदु पर कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो, दोनों शर्त संतुष्ट। हम लोग बोर्ड पर दो रेखा खींचेंगे, एक रेखा में ओरिजिनल है और दूसरे रेखा में एक्स की कीमत घट गई। हिक्स एलेन के पहले मार्शल साहब ने जब भी दिखलाया तो एब्सोल्यूट प्राइस देते थे, आम की कीमत और आम की बात, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट प्राइस। हम लोग ले रहे हैं केला की कीमत अपॉन सेव की कीमत, इसको कहा जाता है सापेक्षिक मूल्य। तो हिक्स एलेन ने सापेक्षिक मूल्य का प्रयोग किया है जबकि मार्शल ने एब्सोल्यूट प्राइस का प्रयोग किया है। इसलिए मार्शल के मांग की धारणा में एक वस्तु रखती है, हिक्स एलेन के उपभोक्ता व्यवहार की धारणा में दो वस्तुएं रखती है। चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है हिक्स एलेन का, इसलिए हम लोग हिक्स एलेन का ही बोर्ड पर बनाएंगे और दो वस्तु रखेंगे। कीमत रेखा जो होगी हमारी, कीमत रेखा की विशेषता नंबर वन कि सापेक्षिक मूल्य रहता है। कीमत रेखा में क्या रहता है? सापेक्षिक मूल्य रहता है, पीएस अपॉन पीवाई, ये सापेक्षिक मूल्य है। कीमत रेखा में सापेक्षिक मूल्य रहता है नंबर वन। नंबर टू, कीमत रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, कीमत रेखा सीधी रेखा होती है। नंबर टू, कीमत रेखा सीधी रेखा होती है। नंबर थ्री, कीमत रेखा को पी एक्स अपॉन पी वाई द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर फोर, कीमत रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नंबर फाइव, कीमत रेखा ओ एक्स एक्सिस को स्पर्श करती है, कीमत रेखा ओ एक्स एक्सिस को स्पर्श करती है, कीमत रेखा ओ वाई एक्सिस को स्पर्श करती है, कीमत रेखा ओ एक्स एक्सिस को स्पर्श करती है एंड कीमत रेखा ओ वाई एक्सिस को स्पर्श करती है, है ना? ओ एक्स एक्सिस को स्पर्श करती है और ओ एक्स वाई रेखा ओ एक्स पी एक्स वाई पी वाई रेखा जो है वो ओ एक्स एक्सिस को भी छूती है और वाई एक्सिस को भी छूती है। अब बोर्ड पर इसको देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर ये इंडिफरेंस कर रहा है और ये कीमत रेखा है। बहुत सिंपल बनाना है चित्र, बराबर सिंपल बनाई गई जानवर को थोड़ा समझ में आ गए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा सकते हैं। और यहाँ देखिए, अब कीमत में परिवर्तन करना है, ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। जैसे ऐसे कर दिए तो ये हो गया पी एक्स बाई पी वाई और ये हो गया पी एक्स जीरो बाई पी वाई, पी एक्स जीरो बाई पी वाई। ये क्या हो गया? पी एक्स बाई पी वाई, है ना? ये एक्स वस्तु हो गया, ये वाई वस्तु हो गया, ये एक्स वस्तु हो गया, ये वाई वस्तु हो गया, ये एक्स वस्तु हो गया, ये वाई वस्तु हो गया। अब गौर से देखिए कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर टेंजेंट भी है, टेंजेंसी भी है, प्लस कन्वेक्सिटी भी है, कन्वेक्सिटी भी है, दोनों सब यहाँ पर। कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है और यहाँ पर स्पर्श कर रही है, स्पर्शता और
मूल बिंदु की ओर नतोदर ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो, ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है। उपभोक्ता संतुलन कहाँ हो गया? उपभोक्ता संतुलन कहाँ हो गया? ई बिंदु पर। अब देखिए हम लोग यहाँ अब ये ले रहे हैं, देखिए गौर से देखिएगा, ये कीमत रेखा घट गया एक्स का, उपभोक्ता यहाँ पर है, घट गया तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ घट गया तो यहाँ से जो आएगा इसको कहेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या कहेंगे? प्राइस कंजम्पशन कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारा वन से टू हो गया, उपभोक्ता क्यू वन पर था, कहाँ चला गया वो? क्यू टू पर। अब गौर से देखिए, क्यू वन पर वो खरीद रहा है 10x, आ क्यू टू पर आ गया तो खरीद रहा है 20x। क्यों? अब इसी बात को लो नीचे ले लें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 10x से वो 20x खरीद रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्राइस हो गया px2 और पहले प्राइस था px1। गौर से देखिए, पहले प्राइस था px2 और py, अब px2 घट के हो गया px1। py ज्यों का त्यों है, py में कोई चेंज नहीं हुआ, py में कोई चेंज नहीं है, y वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं है, चेंज हो रहा है किस में? x वस्तु की कीमत। तो px2 by py से छोटा हो गया px1 by py, सापेक्षिक मूल्य में कमी हो गई, सापेक्षिक मूल्य में कमी हो गई। तब उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय करता है, क्योंकि एक्स वस्तु वाई वस्तु की तुलना में सापेक्षिक रूप में सस्ती हो गई। और उल्टा बोलिएगा तो वाई वस्तु महंगी हो गई, सापेक्षिक रूप में वाई वस्तु क्या हो गई? महंगी हो गई, सापेक्षिक रूप में वाई वस्तु एक्स वस्तु की तुलना में महंगी हो गई। उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ मात्रा को त्याग देगा और एक्स वस्तु की इन मात्रा को बढ़ा देगा। ये उपभोक्ता के भीतर में पाई गई। अब गौर से देखिए, पी एक्स जब था तो 10x खरीदता था, अब पी वन पर कितना खरीद रहा है? बी एक्स, तो पी वन पर बी एक्स है। अब कहते हैं कि इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कहाँ से निकला? पीसीस से, प्राइस कंजम्पशन कर्व से। आई हो गया डाउनवर्ड
बी सी सी डाउनवर्ड